वुड्स डिस्पैच चार्ल्स वुड के द्वारा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, जिसमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा और क्या क्या चेंजेस आएंगे वो लिखा गया था। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो 1854 में लागू हुआ था, बनाया गया था, तो उसको लागू किया गया। मैग्ना कार्टा क्या है कि 1215 में किंग जॉन जब किंग थे तो उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था जो उस सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए था, और चेंज वो पॉजिटिव था, पॉलिटिकल लिबर्टीज पॉजिटिव चेंज था। और वो जो डॉक्यूमेंट था, लीगल डॉक्यूमेंट था, जैसे हम उसको इजीली भाषा में समझना है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का कह सकते हैं, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कार्टा मीन चार्टर, लीगल डॉक्यूमेंट, एक तरह की बुक जिसमें वो लॉ, नियम, राइट्स लिए जाते हैं। तो इस चेंज में क्या था कि वो पॉलिटिकल राइट्स बढ़ गए थे। सबसे बड़ी बात, मोनार्की चल रही थी, ये हमेशा ही एक डायलेमा रहा है जहां डोमिनेशन मोनार्की की रही है कि किंग ऊपर है, वो जो बोलता है वो ला होता है, लेकिन इस मैग्ना कार्टा के बाद किंग ला से नीचे रहेगा और ला किंग से ऊपर रहेगा। ये बिग चेंज आया। दैट इज व्हाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जब वुड्स, चार्ल्स वुड ने ये डॉक्यूमेंट जारी किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, तो उसमें चेंज, अभी वो पढ़ेंगे रिकमेंडेशन क्या है, तो वो चेंज पॉजिटिव थे। नंबर निकाले जो वुड्स से पहले ब्रिटिशर्स रहे हैं यहाँ पर, रूल जिन्होंने किया है, उन्होंने डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी दी थी एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें कुछ गिने चुने लोगों को, जैसे अपर या मिडल अपर क्लास के कुछ लोगों को चुन के इनको एजुकेट किया जाता था। और एजुकेट करने का काम क्यों था, कमर्शियल पर्पस था कि हमारा काम, हमारे क्लर्क अच्छे, हमारे लिए अच्छे क्लर्क पैदा हो सकें। तो वो डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी में क्या था कि इनको टीच करेंगे, ये आगे मास को टीच करेंगे या हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए काम आएंगे। तो ये थी डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी, जिसको मैग्ना कार्टा में वुड्स ने रिजेक्ट कर दिया था। वेरी सिंपली, वुड्स डिस्पैच इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी का सबसे पहला और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, पॉजिटिव प्लान था। दैट इज वाई ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अब ब्रीफ में वो चेंजेस करेंगे जो वुड्स डिस्पैच ने सुजेस्ट किए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। पहला इंपॉर्टेंट चेंज ये क्या लेके आए कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा। मैकॉले ने जब पिछले एजुकेशन सिस्टम ने मीडियम ऑफ इंग्लिश, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचिंग का मीडियम जो इंग्लिश रखा था, तो वुड्स डिस्पैच ने प्राइमरी लेवल पर, स्कूल लेवल पर वर्नैक्युलर इंडियन लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज होती है, जिसको कम्युनिटी की लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें हम डेली की बातचीत यहाँ के लोग करते थे, उसको बनाया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आज तक फॉलो किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तक, के मदर टंग को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हाई स्कूल तक उन्होंने एंग्लो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस को मीडियम बनाने के लिए कहा, और कॉलेज जहाँ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम बनाने के लिए कहा। तो ये एक हायरार्की ऐसे उन्होंने बना दी। ये बात हो चुकी है कि उन्होंने जो मैकॉले ने डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। इट मींस कि कुछ फ्यू सिलेक्टेड पीपल को अब टीच नहीं किया जाएगा, एजुकेशन नहीं दी जाएगी, सभी को दी जाएगी। और क्या चेंजेस आए, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस वर टू बी प्रमोटेड, ये बात हो चुकी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू बी सेट अप इन एवरी प्रोविंस, एजुकेशन डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी स्कूल खुलेगा, ये तब की बात है। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही डिस्कस कर रहा हूं, यूनिवर्सिटीज ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड इन बिग सिटीज बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। 1857 में है ना,
रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ तब बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर दी गई थी, पहली इंडिया की यूनिवर्सिटी ये है। वुमेन एजुकेशन, प्रमोटेड वुमेन एजुकेशन एट ऑल लेवल, ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। हायरार्की इन एजुकेशन सिस्टम, वो बात पीछे करके आए हैं कि प्राइमरी स्कूल इन विलेजेस बॉटम में होंगे, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल एफिलेटेड कॉलेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी प्रेज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चेंज का कारण बन रहे हैं ये हायरार्की जो बनाई गई है। इंग्लिश को हायर स्टडीज का मीडियम बना दिया गया, ये बात हो चुकी है। वर्नेकुलर एजुकेशन, वर्नेकुलर लैंग्वेजेस स्पोकन बाय कॉमन मासेस टू बी प्रमोटेड एट प्राइमरी लेवल, सबसे बढ़िया पॉइंट। टीचर्स ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड स्ट्रेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग एट ऑल लेवल, इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेकुलर एजुकेशन टू बी प्रमोटेड, ग्रांट इन एड टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेज। आज भी आप देखते हो कि कुछ DAV खालसा ऐसे स्कूल्स हैं जो के गवर्नमेंट एडेड कहे जाते हैं, 95% एड दी जाती थी, तो प्राइवेट पार्टनरशिप से ये खुले थे, तो ये इतिहास, इसकी रूट आप देख। बॉम्बे मद्रास कलकत्ता यूनिवर्सिटी वर सेटअप, बता चुका हूँ, 1857 में इन ऑल प्रोविंसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट वर सेटअप। ये चेंजेस जो आए, बेठुने स्कूल फाउंडेड बाय JED बेठुने वाज स्टार्टेड फॉर वुमेन एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुरकी, आज भी उसका नाम है, तो ये एक गवाही है। वुड डिस्पैच एक रैपिड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम विद यूरोपियन हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज इन इंडिया। प्राइवेट इंडियन एजुकेटर्स इस वक्त में अपियर होने। तो अगर आपने इतना सुन लिया है तो मेरे ख्याल में ये इजी होगा कि जो क्वेश्चन इसके बन रहे हैं, ये जो बातें की हैं, यही क्वेश्चन बनेंगे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ इसको भी बड़ा कर लेते हैं, छोटा दिखाई नहीं देगा, हिंदी वालों के साथ इनजस्टिस क्या करना है। चार्ल्स वुड कौन थे एजुकेशन में, ये क्वेश्चन। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बाद में भले पहले उन्होंने वो काम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा कॉमन। व्हेन डिड वुड्स डिस्पैच इंट्रोड्यूस्ड, बात हो चुकी है, आपने याद करना है, इजी करना है। ये लिखा ओ वुड डिस्पैच ही आएगा ना, तो इसको ओ को उठा के ऐसे जोड़ दो, 8 बन जाए, और डिस्पैच के मैंने अपनी भाषा में चरंजा, हाँ, इसको याद रखा है ऐसे, इससे जोड़ दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच का उद्देश्य क्या था, भारत में शिक्षा की प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं था, उसने वर्नैकुलर लैंग्वेज को प्राइमरी में भी बढ़ावा दिया है, भारत के सभी प्रमुख शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित करना, सिर्फ ये एम था नहीं, एम बड़ा था, शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम को प्रोत्साहित करना, सिर्फ ये भी नहीं था, भारत में शिक्षा का प्रसार करना। द बेस्ट आंसर इन दिस, ऐसे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको बोला जाता है, जा सकता है, ये आते हैं। इस वीडियो का ये थोड़ा सा फायदा हो सकता है आपको, अकॉर्डिंग टू वुड डिस्पैच विच लैंग्वेजेस वर प्रमोटेड एट प्राइमरी लेवल, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है, वर्नैकुलर लैंग्वेज जो मास लोगों के द्वारा कॉमन बोली जाती भाषा थी, उसको प्रमोट किया गया था थ्रू एलिमेंट्री लेवल के, विलेजेस में स्कूल खोल दिए, और विलेजेस में स्कूल खोले उसमें भाषा किस में पढ़ाया जाता था, वर्नैकुलर लैंग्वेज में। अच्छा, विच लैंग्वेज वाज रिकमेंडेड एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज हायर स्टडीज, अभी बात की है तो इंग्लिश, हायर स्टडी में आज भी इंग्लिश है। क्यों जो वुड डिस्पैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज सिस्टम है उसका इन्फ्लुएंस, उस जैसा आप अभी अभी से कंपेयर करके, इस एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करके भी ये लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये संस्कृत है, अरेबिक तो वेरी वीक ऑप्शन है। विच यूनिवर्सिटीज वर सेटअप फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच,
वो कौन कौन सी थी, उसको याद रखने के लिए जो वुड्स डिस्पैच है, ये रहा वुड डिस्पैच, डी से दिल्ली है ना, दिल्ली नहीं है, ये नॉर्मली डिस्ट्रक्टर पाया जाता है कि दिल्ली में यूनिवर्सिटी नहीं, तो दिल्ली जहां आता है उसको रिजेक्ट करते जाइए, ये दिल्ली रिजेक्ट कर दिया, कलकत्ता बम्बे मद्रास इसमें नहीं आया कोई, है ना, तो याद रखना है कि दिल्ली इज रिजेक्टेड। वैसे तो हमारे कॉलेज BCM भी है और हमारे एक चौक का नाम भी BMC है, तो ये आप किसी से एसोसिएशन बना लीजिए कि ये तीन अगर ऐसे ही याद रह गए हैं कि कौन से जो महानगर हैं हमारे, सिर्फ ऐसा याद रखो कि देखिए विलेज में प्राइमरी है, है ना, तो जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल इंक्रीज होता जाता है तो वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वहाँ एस्टेब्लिश की, तो महानगर में महाविश्वविद्यालय स्थापित किए गए तीन, इतना याद रखना है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच ऑन वुमेन एजुकेशन, यस ये बहुत अच्छा काम किया ना वुमेन एजुकेशन के लिए, वेरी गुड। इट डिस्करेज द वुमेन एजुकेशन एट ऑल, जब इंग्लिश पीपल की बात आ रही है, उस राज की बात आ रही है, तो ऐसा कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने जो चेंजेस, है ना, जो बैड प्रैक्टिसेस थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की, इंग्लिश पीपल ने भी की है। वो फिल्म है मुझे आमिर खान साहब की 50 पहला इंडिया का रेवोल्यूशन था ना, उसमें वो एक फीमेल को प्रोटेक्ट करते हैं, इंग्लिश पीपल करते हैं, तो मतलब सती प्रथा से उसको बचाते हैं, तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। इस यहाँ पर इस प्रैक्टिस को तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा, तो डिस्करेज नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। इट प्रमोट वुमेन एजुकेशन एट ऑल लेवल, यस एट ऑल लेवल आपको कन्फ्यूज करेगा, लेकिन वुड्स डिस्पैच है, मैंने पहले ही कहा है जहाँ पर वुड्स है वहाँ पर पॉजिटिव लेके चला, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पॉजिटिव होना शुरू हुआ। दूसरी बात ये है कि वुड्स हमारे लिए पॉजिटिव ही करती है, एक ट्री है कितना पॉजिटिव, सारी उम्र अपना सारा कुछ देता ही रहता है, कई बार तो संतों के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, सो ऐसे एसोसिएशन बना लीजिए कि वुड डिस्पैच अच्छा था। इट फोकस ऑन वुमेन एजुकेशन ओनली एट, है ना, ओनली प्राइमरी, ये गलत हो गया, हैड इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, नहीं इम्पैक्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, हिंदी में भी साथ में चलेंगे, आठवां क्वेश्चन है, ये रहा वुड डिस्पैच के अनुसार प्रत्येक जिले में किस प्रकार के विश्वविद्यालय खोले जाने थे, जिले में सरकारी, निजी, मिशनरी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। ये देखने में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपने पिछला अटेंड किया है, जो पीछे थोड़ा मैं बॉम बॉम करके आया हूँ, तो वो उससे आपको इजी हो जाएगा, है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स, है ना, अदरवाइज आप मिशनरी में, अंग्रेजी माध्यम में इसको टिक लगा दोगे, निजी स्कूलों को टिक लगा दोगे क्योंकि वहाँ, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूल जो है इन्होंने रिकमेंड किए थे और बनाए भी, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट वर स्टार्टेड फॉलोइंग वुड डिस्पैच, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट मद्रास एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट कलकत्ता, नहीं यहाँ तो यूनिवर्सिटी बनवाई थी ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट मद्रास, नहीं ऐसे कुछ नहीं, रुरकी था, है ना, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूसा, हाँ वो रहा जो बिहार में था, ये वर्ड दो तीन बार रिपीट कर लो, और रुरकी, है ना, ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुरकी, ये दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, हिंदी में पढ़े, विच थ्योरी डिड, हाँ मैं इसको रेड भी किया है क्योंकि ये कन्फ्यूजन थी कि इन्होंने रिजेक्ट की है थ्योरी, यस मैंने वेरीफाई किया है, इन्होंने रिजेक्ट की है, विच थ्योरी वुड डिस्पैच हैज रिजेक्टेड, तो डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी, ये वाली है ना जो पीछे डिस्कस करके आए हैं, उसको दिखा दूँ दोबारा, पर मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, है पता नहीं है, ये वाली, हाँ डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी, इसको रिजेक्ट किया था, कुछ लोगों को टीच करना है, नहीं कुछ को नहीं करना, ये वाली रिजेक्ट हो गई। ये मैकॉले ने दी थी, कब दी थी ये भी देख लेते हैं। अच्छा तो आंसर ये है कि इन्होंने ये रिजेक्ट की थी, मैकॉले ने ये थ्योरी दी थी, एक पेपर में मैं जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पूछ भी चुका हूँ, है ना, ये हाँ लॉर्ड मैकॉले ने इस थ्योरी, फेमस थ्योरी मिनट्स ऑफ मिनर, मैकॉले मिनट्स उसको बोला जाता है, 1835 में दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये थ्योरी दी कब गई थी, है ना, 35 में दी
और 54 में उड़ा दी गई, ये ऐसे याद रखा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन के लिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। 11वां क्वेश्चन हिंदी में आपके लिए, कौन बनेगा करोड़पति? वुड्स डिस्पैच के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना था? धर्म निरपेक्ष, ऐसी बातें करेंगे कि रिलीजियस? नहीं, रिलीजियस की बात नहीं करेंगे, रिलीजियस की बात हिंदू स्थान वाले लोग करेंगे क्योंकि रिलीजियस वायलेंस में नंबर वन देश कौन सा है, ये वो मैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की बुक की प्रिफेस में सारे डाटा जो उसका दिया है वो मुझे कहना, मैं आपको दूंगा। मतलब हम नंबर वन पर हैं वायलेंस है, और पिछले कितने सालों से वो सारा डाटा है कि वायलेंस ये। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वाज प्रमोटेड अकॉर्डिंग टू वुड्स डिस्पैच? उन्होंने कौन सी एजुकेशन को बढ़ावा दिया था? तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, सेकुलर को, रिलीजियस को, वोकेशनल को, साइंटिफिक को। हाँ, साइंटिफिक आप टिक कर सकते हो क्योंकि इंग्लिश पीपल आपको लगते हैं, वोकेशनल को तो किया था ये भी है, लेकिन रिलीजियस को, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर रिलीजियस सबसे पुअर आंसर है और सेकुलर सबसे बेस्ट आंसर है, आपको पहले ये चूज़ करना होगा। तो दूसरा अगर चूज करना पड़े तो वोकेशनल की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, हिंदी में भी है, ये रहा हिंदी में आपका। वुड डिस्पैच के बाद महिलाओं की शिक्षा के लिए कौन सा स्कूल शुरू किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट के फर्स्ट स्कूल जो लेडी बेठूने स्कूल, वुड्स स्कूल फॉर वुमेन, कलकत्ता वुमेन स्कूल, दिल्ली गर्ल्स स्कूल। तो ये जो अजीब सा नाम है इसको याद रखना होगा, बेथ्यून, ये हिंदी में ये रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, हिंदी में भी साथ साथ में, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ वुड्स डिस्पैच? मोस्ट कॉमन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका भारत की शिक्षा प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा नहीं कह सकते। इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, द बेसिक लीगल कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस। इससे भारत में विश्वविद्यालयों और शिक्षा के विभागों की स्थापना हुई, यस हुई, लेकिन ये बड़ा उत्तर है। इसने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को उपयोग किया, प्राथमिक में अंग्रेजी को इसने नहीं किया, वर्नैकुलर लैंग्वेज को किया। इसने शिक्षा को केवल, ये शक कीजिए केवल है, गलत हो सकता है, कुलीन वर्ग तक ही सीमित रखा, ये सीमित नहीं रखा कुलीन वर्ग, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, राइट आंसर यही बच रहा है, लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट इन इंडिया। देखिए डिपेंड करता है कि चार ऑप्शन कौन से हैं, उनमें से बेस्ट चूज करना है, है ना। कहीं यूजीसी लेवल पर ऐसा क्वेश्चन भी जो है, ये ऑप्शन भी गलत हो सकती है क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन होगी। दैट इज़ वाई आपको उसकी समझ सारी चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट में इतना डिफिकल्ट नहीं होता। 15 है, वुड्स डिस्पैच के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में पदानुक्रम क्या है? ये रहा कि ये बड़ा है क्वेश्चन, इसको ऐसा करें कि एक पर कर लें, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, ऐसे ये ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये इम्पॉर्टेंट है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। प्राइमरी ये लीजिए इन विलेजेस, है ना, ये देखिए, फॉलोड बाय एंग्लो वर्नैकुलर हाई स्कूल्स, ओके, और देन एफिलेटेड कॉलेज एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये बन रही है बात। अब एफिलेटेड कॉलेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉलोड बाय प्राइमरी स्कूल इन विलेजेस एंड देन एंग्लो, ऑर्डर गलत हो रहा है ना यहाँ, क्योंकि शुरू प्राइमरी से होनी है, प्राइमरी विलेज और आगे हाई स्कूल वर्नैकुलर एंग्लोज, और ये हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले गए। प्राइमरी स्कूल इन विलेज ये ठीक है, ये वाला ठीक है, है ना, फॉलोड बाय एफिलेटेड कॉलेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एंग्लो, ये बाद में आ गया, ये ऑर्डर गलत हो गया। एंग्लो वर्नैकुलर हाई स्कूल फॉलोड बाय प्राइमरी स्कूल, ये यहाँ गलत हो गया। सह पहले प्राइमरी से शुरू होना है, ये हो गया, फिर एंग्लो वर्नैकुलर और फिर आएगा कॉलेजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये बात बनेगी हायरार्की की। नेक्स्ट चलते हैं, इसको फिर छोटा कर लेते हैं, हिंदी वाले साथ साथ में मिलकर पढ़ेंगे। 15th क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन था ये, व्हाट डिड वुड डिस्पैच रिकमेंडेड रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग?
टीचर एजुकेशन का कोर्स है जो डीएलएड बीएड कर रहे हैं वो टीचर एजुकेशन ही है उसकी, इसको ऊपर कर देते हैं। नो एम्फेसिस ऑन टीचर ट्रेनिंग, नहीं ऐसा नहीं है, नो एम्फेसिस नहीं है। प्रमोशन एंड स्ट्रेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग एट ऑल लेवल, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ऐसे कारणों करके, एक कारण ये नहीं मान लेना, टीचर्स ट्रेनिंग ओनली शक करेंगे, गलत करेंगे। वर्नैकुलर लैंग्वेज टीचर, नहीं। आउटसोर्सिंग ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट, केवल स्थानीय भाषा, ये वाला, शिक्षकों के प्रशिक्षण को निजी संस्थानों को आउटसोर्स करना, तो ये भी लिमिटेड है सिर्फ प्राइवेट तक, ये भी गलत हो गया। तो एट ऑल लेवल बी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये वर्नैकुलर लैंग्वेज क्या होती है, उसकी मीनिंग और परिभाषा है, क्योंकि कंसेप्ट पता होने चाहिए। मैग्ना कार्टा जैसे बताया था कि लीगल डॉक्यूमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। विच टर्म इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब वुड्स डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश, हाँ ये पूरा याद रखना है। मैग्ना कार्टा तो है ही, है ना, ए चार्टर है ना, जिसे कह सकते हैं, ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा, ओ भारत में स्थानीय भाषा की शिक्षा, नहीं ये वाला पहले वाला ठीक है। ये चार्टर शब्द आ रहा है, इससे भी इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना, चार्टर ऑफ वर्नैकुलर एजुकेशन, सिर्फ वर्नैकुलर नहीं है ना, उन्होंने इंग्लिश तक लेके गए हैं हायर एजुकेशन में। वुड्स ब्लूप्रिंट, ये तो नहीं है, फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश एजुकेशन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये सारी टर्म गलत है। मैग्ना कार्टा वर्ड ही इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, इससे ही आपको राइट आंसर मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। और आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या होता है मैग्ना कार्टा, ए चार्टर इज कॉम इज ए फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस राइट्स प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी टू एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और टेरेटरी, उसकी मैग्ना कार्टा की, मैग्ना कार्टा के बड़ा लंबा है, ये नहीं यहाँ पर पढ़ाऊँगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मेरे पास भी ऐसे कम में इतना ज़्यादा भी नहीं है, है ना। 17वां क्वेश्चन, व्हाट डिड वुड डिस्पैच सुजेस्टेड रिगार्डिंग ग्रांट इन एड, इम्पॉर्टेंट है ना क्वेश्चन ये भी। बस दो तीन क्वेश्चन रह गए। ग्रांट्स इन एड टू डिस्करेज, ये रहा डिस्करेज, है ना, इसको अंडरलाइन करेंगे। राइट और रॉन्ग ढूंढने के लिए मैं किसी खास शब्द पर अटैक करता हूँ। उसके बाद आ गया आपको ग्रांट इन एड टू एनकरेज प्राइवेट इंटरप्राइजेज इन एजुकेशन। देखिए, ग्रांट इन एड टू प्रमोट रिलीजियस आ गया, है ना, यहाँ पर प्राइवेट प्राइवेट, ये बाकी देखिए ये दोनों जो ऑप्शन है ना एक दूसरे के विरोधी हैं। और चौथी पढ़ लें, ग्रांट इन एड टू एस्टेब्लिश मिशनरी स्कूल, ये भी इससे अलग है। अब ये दोनों ऑप्शन मिलती हैं और इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, एक में डिस्करेज है, एक में एनकरेज है। तो राइट आंसर मोस्टली जो ओपोजिट डायरेक्शन है उसमें छुपा होता है, तो डिस्करेज को, क्योंकि उसने पॉजिटिव काम किए थे, एनकरेज को रखेंगे, ये वाला राइट आंसर होगा, ग्रांट इन एड टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन एजुकेशन, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा, व्हाट वाज द रोल ऑफ चार्ल्स वुड इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ही वाज फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, फाउंडर नहीं है, ही वाज फर्स्ट सेकेंडरी सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, नहीं फर्स्ट ऐसा भी नहीं है, ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसेमिनेटिंग एजुकेशन, हाँ उसको फैलाना है, जो डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी थी कुछ लोगों को देना है एजुकेशन को, तो वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, तो ये मोस्ट पॉजिटिव अभी तक का बन रहा है। चौथा पढ़ लेंगे, ही अपोज्ड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, ये तो बिल्कुल गलत है, अभी वुड्स अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है 19th, ये रहा हिंदी में, भारत की शिक्षा व्यवस्था में चार्ल्स वुड की क्या भूमिका है, वह भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के संस्थापक थे, ये बात हो चुकी है। 19वां क्वेश्चन है, यहाँ पर चलेंगे, वुड डिस्पैच के बाद ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली कैसे बदल दी गई, नंबर का थोड़ा फर्क आया ना, हाउ डिड द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इन ब्रिटिश इंडिया चेंज आफ्टर वुड डिस्पैच, द एजुकेशन सिस्टम बिकम मोर लोकलाइज्ड एंड फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज,
ऐसा तो नहीं था, वो तो मॉडर्न नॉलेज वहाँ की लेके आए थे। शिक्षा प्रणाली में अधिक लोकलाइजेशन कर दी गई थी, वर्नैकुलर लैंग्वेज वैसे लोकलाइजेशन है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी पारंपरिक ज्ञान पर नहीं, ऐसे भी नहीं है। शिक्षा प्रणाली में तेजी से पश्चिमीकरण हुआ और विश्वविद्यालयों और शिक्षा के विभागों की स्थापना हुई, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। द एजुकेशन सिस्टम में विटनेस्ड रैपिड वेस्टर्नाइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको राइट आंसर अभी तक का मैं मान के चलेंगे। अगले वाले रिजेक्ट कैसे करने ये भी देख लें। शिक्षा प्रणाली में गिरावट आई, नहीं आई, ऊपर को गया, सभी को शिक्षा मिलनी शुरू हुई, अपॉर्चुनिटीज़, और स्कूलों और कॉलेजों की संख्या कमी हुई, अरे यार पहली यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऐसे खुलने शुरू हुए, ये भी गलत है। शिक्षा प्रणाली विशिष्ट वर्ग के लिए, नहीं ये गलत है। तो राइट आंसर हमारे पास यही है, द एजुकेशन सिस्टम विटनेस रैपिड वेस्टर्नाइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, राइट आंसर इज दिस, ऊपर उड़ गया, चलो टिक कर देता हूँ आपको पता रहे। तो मेरे ख्याल में ये सीरीज खत्म हुई है। वुड डिस्पैच के ने और कंट्रीब्यूशन भी है, उस पर नए क्वेश्चन आएंगे, बी सीरीज और वुड डिस्पैच पर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी एक सीरीज, इसके नीचे लिंक आ जाएगा थोड़ी देर में, तो वो भी आप देख सकते हो जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही सभी सीरीज में चलेगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज़।